मैं सी अपनी ज्ञान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल इशू टीडीएस में या टीसीएस में, जो टीडीएस के चालान है क्या वो हम करेक्ट कर सकते हैं, क्या उसमें चेंज पॉसिबल है, यही आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा। वीडियो पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा यहाँ पर मैं बताऊंगा कि वो कौन सी साइट है जिससे आप ये प्रोसीजर कर पाएंगे, बट उसमें क्या लिमिटेशन है वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले, ठीक है। टैक्स पोर्टल पर लेकर चलता हूँ जहां से आप चालान पे करते हैं, ठीक है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अपने 10 नंबर से लॉग इन करके और यहीं से चालान पे करना होता है। अब इससे पहले क्या प्रोसेस था मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो हमारी साइट थी वो TinnenHDL की वेबसाइट थी, ठीक है। ये पोर्टल था मेरा जहां से मैं चालान पे किया करता था, चालान की इंक्वायरी भी मुझे यहाँ से मिल जाती थी, और ये अभी भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, बट ये करंट ईयर के लिए एक्टिव नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है चालान स्टेटस इंक्वायरी में जब आप क्लिक करते थे तो आपको जो चालान का स्टेटस है, चालान का व्यू है, वो भी मिल जाता था। 10 बेस व्यू भी है और सिन नंबर बेस व्यू भी है। जैसे सिन नंबर के केस में क्या था, चालान का नंबर आप एंटर करते थे, बीएसआर कोड, चालान नंबर, चालान का सीरियल नंबर, अमाउंट, और यहाँ पर वो डाटा आपको दिखाई देता था, ठीक है। अब इसमें जो 10 नंबर वाला व्यू है, 10 नंबर में क्या था कि 10 नंबर एंटर करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर पीरियड से लेके पर्टिकुलर पीरियड तक का डाटा जो है वो आपको यहाँ पर दिखता था। सपोज करें 2021 की बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो डाटा है वो माइग्रेट होकर चला गया इनकम टैक्स की इस वाली वेबसाइट पर। अब चालान भी यहीं से पे होते हैं, यहीं से जनरेट होते हैं और इसी पोर्टल पर वो दिखते हैं। इसका मतलब ये चालान हम यहाँ से पे क्या करते थे ओल्टास वाले, वो अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो मैं आपको पहले लॉगिन करके दिखाता हूँ चालान हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से फाइल करते हैं, किस टाइप का आपका चालान डाउनलोड होता है। जब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन में हम ई फाइल में ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे चालान की डिटेल्स आएगी। न्यू जो मेरी पेमेंट है वो मैं यहाँ से करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है प्रोसीड करता हूँ, यहाँ से प्रोविजन सेलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि साइट पर काफी अच्छा प्रोसीजर है, इसमें मिस्टेक होने के चांस काफी कम है, तो आप ट्राई करें कि जब आप फाइल कर रहे हो तभी आप एरर ना होने दें, क्योंकि बाद में करेक्ट कराना काफी टफ प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने चालान यहाँ पर सेलेक्ट किया, कोई भी एक चालान मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे, वैल्यू सपोज करें हमने कोई वैल्यू यहाँ पर ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे बैंक के काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसके थ्रू मैं इसको पे कर दूंगा। फिर मुझे चालान जो है मेरे ई पे टैक्स वाली तो साइट है यहाँ पर मुझे दिख जाएंगे, जो पेंडिंग चालान है वो यहाँ पर दिखेंगे जैसे मैंने अभी चालान जनरेट किया है, और जो मेरे इनिशिएटेड वाले हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। पेमेंट हिस्ट्री में मुझे पूरी हिस्ट्री मेरी दिखाई दे जाएगी। मैं यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है कि पीडीएफ वाला चालान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बात आती है कि इसमें मुझे करेक्शन करना है, या मेरे चालान का सेक्शन गलत हो गया है, या फिर मेरी जो वैल्यू है वो गलत हो गई है, या इसके अलावा कोई भी अदर रीजन भी आपके पास हो सकता है कि आपको चालान को सही फाइल करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, ध्यान से समझिएगा प्रोसेस और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो टीडीएस के चालान है या टीडीएस की जो वैल्यूज है उसको इतना अच्छा तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि सपोज करें आपका जो चालान है वो आपका अगर किसी गलत सेक्शन में जमा हो गया है, देखिए सपोज करें आपका 194J में होना था, सी में हो गया, तो उसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा। जब आप चालान रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो जब आप अपने डिडक्टे की जो डिटेल्स एंटर कर रहे होंगे वहां तो सही सेलेक्ट करिएगा। जब चालान की डिटेल हम एंटर करते हैं वहां पर हमारे से सेक्शन नहीं पूछता है, वहां पर वैल्यू पूछता है और असेसमेंट ईयर भी नहीं पूछता है। तो वैल्यू आपकी करेक्ट होना जरूरी है, अगर वो भी आपकी गलत हो गई है तो अगर आपके पास ज्यादा पे हो गई है तो आप किसी दूसरे चालान में उसको यूज कर लीजिए, जैसे अगले महीने की रिटर्न में। अगर अगर आपकी कम पे हुई है तो आप एक और चालान में मतलब नया जनरेट कर लीजिए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। असेसमेंट ईयर आपका गलत हो गया है तो एक असेसमेंट ईयर तक का एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है। जब चालान आप एंटर करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बट आपने अगर काफी पुराना डाल दिया, 2 साल पुराना डाल दिया, 3 साल पुराना डाल दिया, तो फिर वो एडजस्ट नहीं होगा। 1 साल तक का एडजस्टमेंट यहाँ पर पोर्टल अलाउड करता है, जो ट्रेसिस का पोर्टल है वो भी अलाउड करता है। अब मैं आपको ट्रेसिस की साइट पर लेकर चलता हूँ जहां पर हम चालान की करेक्शन फाइल करते हैं। ये ट्रेसिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको नोट कर लीजिए, या गूगल पर आप ट्रेसिस भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, www.tdscpc.gov.in। इसी पर ही यहाँ पर स्टेटमेंट के अंडर में चालान करेक्शन का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट फॉर चालान करेक्शन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे, यहाँ से आप चालान का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे, चालान को करेक्ट भी कर पाएंगे। तो चालान करेक्शन के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर ओल्टास चालान करेक्शन। तो यहाँ पर ये थोड़ा लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, जो चालान पे हुए हैं ओल्टास वाली इस वाली वेबसाइट से, TinnenHDL वाली वेबसाइट से, वो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि इस वाले पोर्टल पे काफी सारी दिक्कतें थी कि चालान आपने गलत सेलेक्ट कर लिया, या गलती से जब पेमेंट हो रही है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, वो पता भी नहीं चलता था, काफी काफी टाइम भी लगता था अपडेट होने में। बट इस वाले पोर्टल पर क्या है कि तुरंत के तुरंत चालान अपडेट हो जाता है। अगर आपने सही लॉगिन करके सही 10 नंबर पर चालान भरा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
गलत 10 नंबर पे चालान भर दिया तब आपको कुछ नहीं हो सकता, तब तो प्रॉब्लम है, वो आप रिजोल्व नहीं करा सकते। ठीक है, तो मैंने आप चालान गलत भर गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, असेसमेंट ईयर एडजस्ट का हो ही रहा है, आपका यहाँ पर अमाउंट भी एडजस्ट हो रही है और चेक सेक्शन भी आपका एडजस्टमेंट ले रहा है, तो आप जो करंट रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें चालान को एंटर करके फाइल कर दीजिए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा, रिटर्न आपकी प्रोसेस हो जाएगी। फिर भी अगर डिफॉल्ट आता है तब आपको वो चालान दोबारा से जमा करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो जो यहाँ पर ये ऑप्शन था, यहाँ पर हम क्लिक करते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके जो BSR कोड है यहाँ से हम इसको एंटर किया करते थे, बट ये वो वाले चालान है जो कि हमारे ओल्टास वाले पोर्टल से जमा है। ओल्टास वाला जो पोर्टल है वो फिलहाल डिसकंटिन्यू है, तो सब चालान जमा नहीं कर सकते हैं। तो आप जो पुराने आपके चालान अगर कोई गलत है, आपके मिसमैच में पड़े हैं, वो तो आप यूज कर सकते हैं इस वाले प्रोसेस के थ्रू, करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप जो है चालान को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट में, जैसे अभी इनकम टैक्स के चालान अपडेट करने का ऑप्शन आया है, यहाँ पर एरर आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाए इसी फील्ड के अंदर में, क्योंकि अब आज की डेट में जो है इनकम टैक्स के जो चालान है वो एडजस्ट हो रहे हैं इनकम टैक्स पेमेंट वाले, जहाँ पर हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। TDS और TCS वाले चालान में थोड़ी दिक्कत है, फ्यूचर में जैसे ये कोई अपडेशन आती है मैं आपको बता देता हूँ कि कब किस टाइप से और क्या प्रोसेस रहेगा अपडेशन का। अभी फिलहाल के लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर कॉल्स के नंबर भी दिए गए हैं, तो उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि इस चालान का आपको क्या यूज होगा, अगर काफी बड़ी वैल्यू का चालान है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है वो फिर आपको मैनुअल तरीके से जाना पड़ेगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो आपका 10 नंबर है उसका भी एक जुडिक्शन ऑफिस होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको माय प्रोफाइल में जाना है, माय प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जुडिक्शन डिटेल्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जो आपका जुडिक्शनल ऑफिस है वहां पर आपको विजिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, जो चालान है वो लेकर आपको जाना है, बैंक की रिसीप्ट या बैंक स्टेटमेंट जिसमें से वो चालान डिडक्ट हुआ है वो लेके जाना है। क्योंकि जब आप चालान एक वैल्यू का अगर आपने गलत तरीके से फाइल कर दिया है, फिर आपके जुडिशियल ऑफिसर के पास ही वो पावर होती है। जैसे 10 नंबर का एक अलग जुडिशियल ऑफिस होता है, ऐसे 10 नंबर का भी जुडिशियल ऑफिस होता है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो जुडिशियल ऑफिस है ये पर्टिकुलर इसी 10 से रिलेटेड है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये काम करेगा। आप अपने लॉगिन में जाकर चेक करिएगा कि आपका जुडिशियल ऑफिस क्या है, क्योंकि अलग अलग 10 नंबर वाइज ये जुडिशियल ऑफिस चेंज होता है। वहां पर आपको मैनुअल रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, मैनुअल रिक्वेस्ट जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स जो आपको करेक्ट करानी है, चेंज करानी है, वो वहां से फिर प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद ही फिर आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तब आप चालान यूज कर पाएंगे इसी पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने के लिए। रिटर्न फाइलिंग जो है वो भी इनकम टैक्स के पोर्टल से होती है, यहाँ पर TDS में आकर फाइल रिटर्न फॉर्म में जाकर आप फाइल कर सकते हैं। उसके एक सेपरेट वीडियो है, 24Q, 26Q, 27Q सारे फॉर्म्स के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये मेरा YouTube चैनल है, आप YouTube पर सर्च करेंगे के नाम से चैनल मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको TDS फाइलिंग की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर मैं काफी सारी वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, जो भी स्पेसिफिक वीडियो आपको देखनी है आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चैनल का जो पर्पज है वो फुल्ली एजुकेशनल है। आप वीडियो देखें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है। वीडियो देखकर 100% आपको कुछ ना कुछ नया सीखने